की कोई दिक्कत नहीं है, हमें संसद मार्ग जाने की परमिशन है, वहाँ रैली करने की परमिशन है, दिल्ली की जनता को किसी तरह की कोई समस्या पेश नहीं आएगी, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हो रहा है। सर क्या मांगे हैं आपकी पूर्ण रूप से? दो मांगे हैं। पहली मांग कि किसानों के समर्थन में एक बिल पास किया जाए जिसमें सभी किसानों को अपनी फसल का गारंटी का रेट मिले, और दूसरी मांग कि किसानों को एक झटके में कर्ज से मुक्त किया जाए। इन दोनों के कानून संसद के सामने पड़े हैं, हम केवल चाहते हैं कानून पास कर दिए जाए। समस्या है, क्या क्या है आपकी समस्या का? तो उड़े को नहीं चाय वाला कहाँ गया भाई, पता करो चाय वाला पकोड़े तलने वाला कहाँ गया, दिल्ली छोड़ के भाग गया? समस्या बहुत ज्यादा आ, सामी नाथ रिपोर्ट नहीं लागू करते, महंगाई बड़े सिरिया ते आ, डीएपी दा उत्ते रेट है, डीजल दा उत्ते रेट है, पट्टी का कुछ है नहीं, पशु बारा पशु पातू पहले करके मुकर गया मोदी, इन्हें डेढ़ दिन लागू करूँगा कर्जे, किसान खुदकशियाँ दे राह पे रहे ने, कर्जे की माफी नहीं हैगी, बड़ा बुरा हाल है। जुमलेबाजी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वामन राउत साहब किल्लारी महाराष्ट्र परभणी। आप भी कर्ज माफी, खेती का अच्छा भाव देना, कपास गेहूँ सोयाबीन हरभरा चल, जो सरकार दाम बोलती है वो देती है? नहीं देते है। आपको 2200 रुपए क्विंटल सोयाबीन, और सरकार कितना बोलती है? सरकार 3500 रुपए, 3500 रुपए बोलते, वो बोलते जाओ मोदी के पास, हम बेचो मोदी के पास। मैडम कहाँ से हो आप? मथुरा से। क्या क्या समस्या है? समस्या ये देखो, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की जब फसल नष्ट हो रही है, ना ही तो वर्षा पड़ती है तो उसमें गड़ जाती है, सूखा पड़ती है तो उसमें भी बो जाते हैं, अब किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। आयोग की रिपोर्ट आज तक इन्होंने लागू नहीं की, वायदा किए, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, विश्व बाजार में दाम घट रहा है, और जो यूरिया का पैक 50 केजी का आता था आज 45 किलो का आ रहा है, और रेट भी 100 रुपए बढ़ गए, जो डीएपी पिछले वर्ष 1020 का मिल रहा था आज 1500 में अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या है, हर तरीके से किसान का शोषण है।